तो आखिरकार वो ही गई मेरी शादी। मेरा मतलब है हमारी शादी। बहुत कोशिश की थी मैंने शादी से पहले एक बार आपसे बात हो जाए, लेकिन बच्चिया ने इजाजत ही नहीं थी। पर आप फिक्र नहीं करना, मैं अगर दुनिया का सबसे अच्छा भाई हो सकता हूं तो सबसे अच्छा हस्बैंड क्यों नहीं हो सकता। सुनिए, घूंघट हटाइए ना, आपका चेहरा देख के मुझे आपको मुंह दिखाई देनी है। हटाइए ना प्लीज। मैं हटा मतलब आपने चीख के बिजली का बिल देख के मारी है? अरे मुन्ने देखो तुझे कितना भी जाया है। 1000 बार कहा है मैंने, मुनीब नाम है मेरा, मुनीब कहा करे चपटे को तो मुन्ना मुन्ना मुन्ना। गॉड सेक बजिया, दिस इज नॉट फेयर। नहीं तो मैं कह रही हूं इट्स नॉट फेयर। देखो तो इलेक्ट्रिसिटी वालों ने कितना बिल भेजा है। ओह माय गॉड। अरे मैं बिजली के बिल की बात नहीं कर रही हूं, मैं तो मास की बात कर रही हूं। आग की वजह से ना मुझे जल्दी उतारना पड़ेगा। ये ले बगैर, और मेरा मंथली बजट जिस बिल की वजह से बर्बाद हो गया, इसके बारे में कुछ सोचा है तुम दोनों ने? हाँ बिल्कुल सही कह रही है। और बजिया आप भी मत सोचिएगा फ्रांस वाले मरहूम टी शर्ट के बारे में। क्या मतलब तोड़ दिया? लो बताओ। अरे बजिया जिस किस्म की चीख आपने मारी थी ना, मुर्दा भी कफन फाड़ के निकला था। शुक्र करे बजिया कि पड़ोसी मुल्क के साथ आलमी जंग नहीं छिड़ गई हमारी आपकी चीख की वजह से। एडी बेटे। ए, जी भाई। शट अप। आप ही बताइए बिल कितना है? 1.5 लाख। 1.5 लाख? अरे क्या सूरज को लीड दे रखी है जो इतना बिजली का बिल आया है? हाँ, और ये जो तुम्हारी ट्रेडमिल और जिम के इक्विपमेंट है ये तो हवा से चलते हैं ना, सब मुझ पे डाल दिया। अरे तुम तो मुंह बंद रखो। अरे इसका मुंह तो बंद करवाए, जब देखो छाइलों के साथ जमाइया ही लेता रहता है। मैं समझ गई इसकी मंगनियां क्यों टूटती है, इसलिए टूटती है इसकी बातियों की वजह से। अरे जाने दे जाने दे, सारा 2 मिनट लेट चीखे होती ना तो मैं अपनी प्यारी दुल्हन को मुंह दिखाई दे चुका होता। अरे ख्वाब में। हाँ, और ये जूते पहन के सो, इसी तरह के डरावने ख्वाब आएंगे तुम्हें फिर। अरे जूते पहन के नहीं सोया मैं, ये मेरी चप्पल ले जाती है बार बार, वो तो मिली नहीं तो मैं जूते पहन के आ गया, बदतमीज। मैं भी मुंह जाके धोऊं, मास्क खराब कर दिया मेरा, मुंह काला करवा दिया लेके इतनी दूर से चीख मार के आज होती है। दांत फाड़ फाड़ ऐसा बिल देखने के बाद ना 100 साल के दांत अंदर हो जाते हैं। नहीं नहीं बजिया, मैं सोच रहा था कि किर्चियां समेट लूं आपकी उम्मीदों टी सेट। उम्मीदों की किर्चियां तो तुम तब समेटना बेटा जब तुम्हारी तनख्वाह से इस टी सेट के पैसे डिडक्ट होंगे। जी और आपने जो दहशतनाक अल्पनाक खौफनाक किस्म की चीज मारी थी, अगर मेरा दिल पड़ जाता को जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? शकल गुम करो अपनी। निशा जी उठो, अब कुछ करो, इस शहर में दिल का लगाना। कमबख्त ऐसा लगता है बरकी तमन्नाई से चलता है। भैया जी, भैया जी, भैया जी, अच्छा हुआ तो आ गया, ये ले। अरे छोड़े इसको, मैं इतना सा जब इस घर में मुलाजिम बनकर आया था, जबकि बजिया मुझे पढ़ाई के बहाने इस घर में लेकर आई थी। बेटे ना तुम्हारी शक्ल थी पढ़ाई वाली, ना ही तुम्हारे करतूत। भैया जी आप मेरे ना जज्बात से खेल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, तुम बदले में मेरे जज्बात से खेलो जैसे पूरी दुनिया खेलती है। अरे मेरी बात तो सुने, बेचारे बजिया के खुदकुश धमाके में शौहर का इंतकाल और अपिया के ससुराली झगड़े सब देखा इनको नकारा को ने।
मनहूस आदमी, मेरी मंगनियां भूल गया जो बारी बारी एक एक करके टूटी। अरे मुन्ने भैया, आपका दुख तो इस सीने में दफन है, दफन। एक बार और तूने मुझे मुन्ने भैया बोला ना तो मैं भी तुझे जमीन में दफन कर दूंगा, दफन। अरे 15 साल की आदतें हैं, इतनी जल्दी क्यों जाएंगी? क्या तकलीफ क्या है तुझे? क्यों मेरा दिमाग खा रहा है? सीधे पॉइंट पे क्यों नहीं आता? वैसे भी नाश्ता बनाने जाना, मुझे देर हो रही है। मेरी तनख्वाह फिर गांधी बन जाने इस महीने। अरे बहुत अच्छा किया उन्होंने, मैं तो बहुत खुश हूँ ये बात सुन के। वैसे भी तू करता क्या है? किचन मैं संभालता हूँ, खाना मैं बनाता हूँ, नाश्ता मैं बनाता हूँ, और सुन लो तो तेरी आधी तनख्वाह मुझे मिलनी चाहिए। अरे वाह, तो किस महाशय ने आपसे कहा था मास्टर शेफ बनने के लिए? मेरी बात सुन, तू 15 साल से यहाँ पे जरूर, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे सर पे बैठ के नाचे। सीता सही जो बात बोलने बोली तो दवा यहाँ से। ठीक है भैया जी, ठीक है, याद रखिएगा, जिसने एडी का दिल दुखाया वो सारी जिंदगी पछताया। अल्लाह खैर करे आपकी तीसरी मंगनी सलामत रहे। ले लिया ना अपनी मनहूस जबान से तूने मेरी तीसरी मंगनी का नाम ले लिया ना। एक बात बेटा याद रख, अगर मेरी मंगनी को कुछ हुआ, वो टूटे या कुछ भी हुआ, तो तेरी जबान का टकाटक बना के ना मैं खुद खा जाऊंगा, समझे? चल निकल यहां से। तेरी दुनिया से दूर चलो के मजबूर, हमें याद रखना तेरी दुनिया। क्या ख्वाब देख रहा था? पर ये आपका भी अल्लाह भला करे, इतना खूबसूरत ख्वाब तोड़ दिया। पता नहीं वो लड़की कौन थी, सनिश तो नहीं लग रही थी, पर जो भी थी आप 5 मिनट रुक जाते तो क्या चला जाता। चल बेटा नाश्ता बनाने का टाइम। इतना बिल, इतने बिल में तो शादियां हो जाती हैं और यहाँ पर बिल ही नहीं मुकरे। कहाँ जा रही हो? अरे ट्रेडमिल करने जा रही हूँ। नहीं जा सकती। क्यों नहीं कर सकती? टाइम निकल रहा है। बिजली का बिल देखा तुमने? आंखें खोल के देखो, ये बिल देखो। तो क्या करूँ इसका? क्या करूँ, आज से सिर्फ योगा होगा। नहीं योगा नहीं हो सकता, आपको पता है मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती ना अपनी फिटनेस पे। प्लीज आने दे। तो पता है मैं अपने बजट पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। अरे ये क्या रहेगा, कैदखाना? कैदखाना मुझे नहीं रहना, कैदखाने में रहना तो पड़ेगा। अब तुम ट्रेडमिल करने के लिए जाओगी तो वहाँ तुम्हें ट्रेडमिल नहीं बल्कि सिर्फ डस्ट मिलेगी। क्यों? क्योंकि ट्रेडमिल मैंने बेच दी। क्या? मेरी ट्रेडमिल मुझसे बिना पूछे कैसे बेच दी आपने? हाँ, क्योंकि तुम्हारे योगा मैट और डंबल्स लेने थे। जाओ और जाकर योगा करो। गो। बिल तो ऐसे लगेगी जैसे भर देगी। इनको क्या पता? एक बिल भरने के लिए दिल पर कितने पत्थर रखने पड़ते हैं। मुनीम, क्या मैं एक बात सोच रही थी। क्या? तुम्हें याद है वो जो बॉम्ब ब्लास्ट में बजिया के हस्बैंड का इंतकाल हुआ था? अरे याद। असल में वो बॉम्ब ब्लास्ट ना तुम्हारी और मेरी खुशियों पर हुआ था। तब से लेके अब तक ना एक डिक्टेटर बनकर हमारे सरों पे सवार रही है। तो तुम्हें किसने कहा था कि तुम बजिया की बातों में आके अपना घर खराब करो? हाँ तो तुम्हें भी किसने कहा था कि इनके कहने पे आके बावर्ची बन जाओ, ये रोज गाजर मूली खीरे काटो? अरे ओ गाजर मूली, मैं ना एक प्रोफेशनल शेफ हूँ। सिर्फ एतराज है जनिश की नानी को इस जॉब पर। एतराज है उन्हें? अचानक करे मंगनी तो नहीं तोड़ देंगी ना वो? अरे तो क्या फर्क पड़ता है, कौन सा पहली बार टूटेगी? अब तक तो तुम्हें यूज टू हो जाना चाहिए मंगनी टूटने का। आप ये सारी चीजें वो डी को क्यों नहीं सिखाती? बेवकूफ है, जिस दिन उसे ये सब कुछ आ गया उस दिन किसी 5-स्टार होटल में तुम्हारा कॉम्पिटिटर बनकर सामने शेफ बन के खड़ा हो जाएगा। करेक्ट। फिलहाल तो बस वो मिस्टर हडराम बन के मेरे सामने खड़ा रहता है, मुफ्त की रोटियां तोड़ता, कोई काम नहीं करता। एक तो मैं होटल में पहले शेफ की नौकरी करूं और फिर ये आप लोगों के लिए बावर्ची की नौकरी करूं। अब कोई बात नहीं, थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद तुम्हारी बेगम आ जाएगी और ये किचन के सारे काम। 4 साल से ना यही लारा दे रही है आप मुझे और मैं आपकी बातों में आ जाता हूँ। अरे आप लोग जाइए ना, वो ग्रोसरी की लिस्ट बनाइए, वैसे भी सामान खत्म हो रहा है, आते हुए ना शॉपिंग भी कर लें। स्पेनिश ऑमलेट के अलावा बाकी चीजें भी जो मैं खाती हूँ ना सब ग्रोसरी लिस्ट पर डाल दूंगी। अच्छा मैं तुम्हें पिक्चर दे रही, तो फोन में घुसा दूंगा ऐसा। क्यों? आई बड़ी सेल्फी लेने वाली। मैं घुस जाती हूँ।
बिल्कुल भी नहीं। What's wrong with you? मैं तुम्हारी इस छलत्तर पुप्पी के घर तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मुझे भी नहीं जाना। उनका डफर बेटा लाइन ने मार था मुझ पे। अच्छा तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतनी मुश्किल से तो किसी ने लाइन मारी थी, वो भी आपको बता देती मैं। लेकिन छोड़े, जहर लगता है वो मुझे। और वो तुम्हारे जकी चचा के घर, वहाँ तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अगर इरादा है तो वो भी तर्क कर दो। लेकिन फिलहाल हम अपना सामान तो पैक करें, हम नहीं जाएंगे वहाँ पे। और अपने वो मनहूस कंजूस ताया के लिए ना मर के भी मत सोचना। आप फिक्र नहीं करें, उन्होंने जिंदा रह के अपनी यतीम भतीजी के बारे में नहीं सोचा तो मैं क्यों सोचूं? तो फिर कहाँ रहेंगे हम कराची? मैं तो अभी कह रही हूँ कि हैदराबाद में ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। हरगिज़ सही, हैदर भाई का सख्ती से ऑर्डर है, हम कराची जाएंगे और उन्होंने डॉक्टर से बात भी कर ली है। इतना ही माँ का ख्याल था ना तो उस गोरी के घुटने से लग के बैठने के बजाय पाकिस्तान आ जाता। माँ से ज्यादा बीवी से प्यार है उसे। बस करें, दूर रह के भी वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे। आप इस बस अपना सामान पैक कर रहे। मगर नताशा, मेरे मैरिज ब्यूरो का क्या होगा? अम्मी प्लीज, आजकल वैसे भी तलाकों का सीजन चल रहा है, तो खुदा के लिए अपने आप पे भी रहम करें और अपने बिजनेस पे भी। और खबरदार अगर आपने मिसेस फारूक के पहाड़ी दुम्बे जैसे बेटे के लिए कोई दूसरा रिश्ता बताया तो शक्ल से ही टेररिस्ट लगता है तुम्हें मुझे। तुम्हारे ये भी तो कोई सुरसवाद का रिश्ता नहीं मिल रहा। अच्छा बाबा, रखती हूँ कपड़े, तुम तो आंखों ही आंखों में निगल लोगी मुझे। रखती हूँ कपड़े, मैं डिसाइड करूंगी। अरे मुझे देखने दो। मैं बताती हूँ ना, ये वाला ये नहीं अच्छा लगता मुझ पर। आप हमेशा ये वाला पहनती हैं, आप यही पहनती हैं। यार वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये देखो पर्पल कितना प्यारा लग रहा है ये वाला। मुन्ने, एक हजार बार मैंने कहा है मेरा नाम मुनीब है, सब मुझे मुनीब कहा करो। ऐसी पर्सनालिटी वाला मुन्ना कहीं देखा है क्या कभी आपने? वैसे तुम्हारी पहली एंगेजमेंट भी ना इसी नाम की वजह से टूटी थी। तुम चुप करो सोहा, हर वक्त फजूल बातें करती रहती हो। उस लड़की की तो बदर ही ग्रीडी फॉक्स थी। अच्छा वो वक्त पर हमें पता चल गया सब कुछ। अरे एक मिनट, फिलहाल आप मुझे ये बताएंगी कि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मेरी गाड़ी की बैटरी प्रॉब्लम करी है तो तुम पहले मुझे ड्रॉप करोगे। नहीं मुनीब, पहले मुझे बुटीक छोड़ेगा। बात सुनो, तुम्हारी बुटीक में तुम्हारा कोई नकचरा बॉस नहीं बैठा हुआ। हाँ लेकिन मैं खुद तो वक्त की बहुत पंक्चुअल हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ओह माय गॉड, एक मिनट यार, आप लोग आराम से डिसाइड कर लीजिए कि पहले किसको जाना। जब डिसाइड करने बता देना, मैं एक फोन कर रहा हूँ, बहुत जरूरी। ठीक है, सही। पहले मैं जा रही हूँ, मैं पड़ी, मैं छोटी हूँ ना, कोई बात नहीं। लेकिन छोटे लाडले होते हैं। देखो पहले मेरी बात। ओवरटेक करने से पहले साइड मिरर देख लिया करो। ओवरटेक नहीं कर रही अम्मी। वो देखो कैसे पागलों की तरह गाड़ी चला रहा है, बहुत दूर है वो मुझसे। कहा भी था फराज साहब के ड्राइवर को साथ ले चलते हैं। 8 साल से ड्राइव कर रही हूँ मैं। अच्छा साइड पर वो कहीं ठोक दोगी। आप ऐसा करें, एक ही दफा मुझे सारी इंस्ट्रक्शन दे दे, लेकिन बाद में कुछ मत बोलिएगा। अच्छा ज्यादा नखरे करने की ना जरूरत नहीं है। ये बताओ कि जिनकी एनएक्सी किराए पर ली है वो लोग कैसे हैं? अम्मी फर्निश पोर्शन है, पोश एरिया, आपको किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। लेकिन फिलहाल अब मैं गाड़ी चला लूं। जी करना, थैंक यू। खतरनाक गाड़ियां चलती हैं यहाँ पर, हैदराबाद में तो नहीं ऐसा होता। पागल आदमी। यार एक बात तो बता, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी अपी और बजिया के साथ? अरे क्या प्रॉब्लम होता है, जब से पेरेंट्स की डेथ हुई है दोनों मुझे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझने लगे, खास करके बजिया। फिर तो भाई तेरी मिसेज को टफ टाइम मिलने वाला है। अरे अभी तो सुबह शाम मुझे ही टफ टाइम मिल रहा है भाई, और ऊपर से जब से अपिया लड़की अपने घर से आई है ना तो बजिया उनकी डिवोर्स कराने के चक्कर में है। यार पता मुझे क्या लगता है कि तेरी बजिया ही नहीं चाहती कि तेरा और तेरी बहन का घर बसे। ये पागल है क्या, ऐसा क्यों चाहेंगी वो? तुम्हारी दो एंगेजमेंट खत्म हो चुकी है भाई, पूरी दो। अभी भी कह रहे हो ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तू बस ये दुआ करके तीसरी एंगेजमेंट को खुश ना हो। पता है बजिया मुझे जर्निश से बात तक नहीं करने देती। ओ मेरे भाई, मार्केट में ना इतने शरीफ अच्छे भाई आना बंद हो गए, तो थोड़े से ना पर पुर्जे निकाल ले, वरना रह जाएगा सारी जिंदगी कवारा। इंसान का मुंह थोड़ा मनहूस होना तो बात थोड़ी अच्छी करनी चाहिए।
कवारा, तू रहेगा पूरी जिंदगी कवारा, कोई मिलेगा नहीं तेरे को। बंधुए दे रहे भाई को। मिसेस कमाल, कैसे हो सकता है ऐसा? अरे नहीं, अब बात समझने की कोशिश तो करें, कैसे मिल सकती है जर्नेश मुनीब के साथ? अरे प्रॉब्लम है ना, देखिए हमारा मुन्ना बहुत ईस्टर्न ख्यालात है, उसे इस तरीके से मिलना जुलना पसंद नहीं है। एक मिनट, एक मिनट, मैं आपके घर आकर ना आपसे वही बात करती हूँ। एडी, एडी, जल्दी से जाओ, मेरा लाल वाला ड्रेस प्रेस करो। सुबह से दो दफा कॉल कर चुकी है मुनीब के साथ, मेरा दिमाग खराब कर दिया इसने। प्लीज जोआ को फोन करती हूँ, जोआ को बुलाती हूँ और इसके ससुराल जाती हूँ। इन लोगों का दिमाग भी वैसे ही ठीक करूंगी जैसे छोटे के ससुराल वालों को किया था। एक सेकंड, शनिल क्यों चल रहा है? हाँ, घर में लाखों के बिल आ रहे हैं लेकिन इस घर में किसी को परवाह ही नहीं है इसकी, क्योंकि घड़ी है जो जाएगी कमाएगी लाएगी और बिल भरेगी। कोई जाने को तड़पा जा रहा है, कोई मिलने को तड़पा जा रहा है। क्या? क्या हुआ भाई, ऐसी किसकी कॉल थी? रेडी का फोन था। तो ऐसा कौन सा बम फोड़ दिया उसने तेरे? अरे बच्चिया जा रही है मेरे होने वाले ससुराल, वो भी लाल जोड़ा पहन के। प्रॉब्लम क्या है कि बजिया तेरे ससुराल जा रही है वो, या रेड जोड़ा पहन के जा रही है वो? अरे ओ, तेको पता नहीं है, बजिया जब भी ये मनहूस रंग पहन के कहीं पे भी जाती है ना, तो वहाँ किसी ना किसी के अरमानों का खून जरूर होता है। मतलब तेरी तीसरी मंगनी भी गई? तोड़ दूंगा मैं मनहूस बातें करता है। फिर जेडी का फोन आ रहा है। तो खा ले। पे रुक जा मनहूस आते ही आ रहा हूं मैं। बड़ा वफादार मुलाजिम है तेरा। अरे काहे का वफादार है, उसकी जेब गर्म करनी पड़ती है बार बार, तब जाके बनता है वफादार। कमीना है, सुनने जा रहा? कहाँ जा रहा है? हॉल में आया। अबे काम कौन करेगा इतना सारा? करेगा तू। अबे रोज में करता हूँ आदमी। ओ भाई, नहीं होगी तेरी शादी। सारा काम मैं करूँगा, शादी इसकी हो, पहले मेरी शादी होगी। वो दिखाई नहीं देता आपको बहन जी, गाड़ी चलानी नहीं आती आपको? और आपको बात करने की तमीज नहीं है क्या? अरे अभी आप मुझे नीचे दे देती। वो किधर जा रही हूँ? से बात करो। अंदर जा रही हूँ, तुम्हारे बाप का घर है। हाँ जी, इत्तेफाक से मेरे बाप का ही घर है। नताशा तहमुल से बात करो। सुन लो माँ की बात, और वो तख्ती देख रही हो ना तुम? मुनीब हाउस, मुनीब, इत्तेफाक से मैं हूँ। और इस तख्ती के ऊपर तो वार्ड देखो लिखा हुआ है, एनएक्सटी कराई के लिए खाली है, सुबह सीमा अहमद से बात हुई है मेरी। अब मैंने ही लगाया। और एडवांस पेमेंट भी दे दिया हमने सीमा अहमद को, अंदर से जाके पूछो पीछा तो हमारे रास्ते। ये तुम्हारा घर है? जी आंटी जी, अभी तक तो मेरा ही था, मतलब पेपर्स में तो मेरा ही नाम है, लेकिन ये सब क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, मैं पूछ के आता हूँ, तब तक ना यही रहना। पागल सही का वो पागल, ऐसे लड़का ना मुझे गैर शादीशुदा लग रहा था। खुदा का वास्ता अम्मी, अपनी दुकान यहाँ पे स्टार्ट मत कर लीजिएगा। अरे इलाज के साथ साथ अगर बिजनेस भी चल जाए तो क्या बुराई है? सामान निकाल लें गाड़ी से और जाओ। शर्म नहीं आती है ये भाई यार चीजें देखते हुए, बेशर्म। अरे वाह, खुद की शादी हो नहीं रही और दूसरों को कह रहे कि गंदी गंदी भाई चीजें देख रहे हो, क्या ये खुला तजाद नहीं? एक उल्टे हाथ की लगाऊंगा ना तेरा सारा तजाद खुला हो जाएगा। बढ़िया, गुस्सा उतार दो, गरीब आदमी में उतार दो, क्यों है क्यों? सीधी तरह एक बात बता मुझे, ये नेक्सी को फ्रेंड पे देने का फैसला किसने किया? भाई जाहिर सी बात है बजिया ने किया होगा, और किसी की तो हिम्मत है नहीं इस घर में। जिया मीरा जाओ बाहर जाओ, कोई अजीब सी लड़की आई, अजीब अजीब बातें कर रही है, देखो कौन है। अरे कोई भिखारी होगी, छोड़े। उनको कीज देनी है। अभी रुक, अजय का फोन आ रहा है। पूछ लीजिएगा कि आपकी मंगनी सलामत रही या ये भी। अरे पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। क्या? मैं क्या फिर तोड़ दे मंगनी? अरे पर आप बताएंगे कि हुआ क्या?
बजिया, इसमें हर्जी क्या है? क्या हुआ साहब? मैं जा रहा। कहाँ जा रहे? खुद किसी करने। अरे वाह, एक दो ना अच्छे तरीके मुझे भी आते। अगर आप 500 रुपए का नोट ढीला करें तो मैं तो ढीला करूंगा अभी तो। जाने वाले जरा मुड़ के देख हमें। अरे बाबा साहब, बस बहुत हो गया। अब बस, एक बार टूटी, दो बार टूटी, मैंने बर्दाश्त कर लिया, तीसरी बार मंगनी टूटती है क्या किसी की? मैं जीता ही क्यों, जिंदा ही क्यों हूं मैं? सब कुछ कर लूं, मैं खुद को खत्म कर दूंगा, नींद की गोलियां खा लूंगा मैं। किधर? हाँ जी, सारी गोलियां खा के मैं अपनी जान ले। एक भी नहीं है? तुमने भी धोखा दे दिया। कोई बात नहीं, क्या करूं मैं, छत से जाके कूद जाता हूं। नहीं, छत नीचे है, अगर मैं छत से जाके कूदूंगा तो मैं टूटा हो जाऊंगा और वो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं पंखे से लटक जाता हूं। वैसे भी सब लोग यही करते, किसी से लटक जाऊंगा मैं। दुनिया, मैं जा रहा हूं, पंखे, मैं आ रहा हूं। कितना अजीब लड़का था, खुद नहीं किसी सर्वेंट को भेज देता सामान उठाने के लिए, अगला सामान इसी से उठवाऊंगी मैं। शक्ल से बदतमीज। अरे बजरा, नताशा, ये वही लड़का है? अरे वाह, जिंदगी पे ना कितनी अच्छी किस्मत है हमारी, कराची आते एडवेंचर देखने को मिल गया। अरे सो साइट कर रहे, इसकी तो वीडियो बनानी चाहिए, पकड़े। मगर ये कर क्यों रहा है अपनी इसकी जिंदगी, हमें इससे क्या? और दे मुझे, नहीं नहीं, अरे जोर जोर जोर। अरे भैया थोड़ा सा लेफ्ट पे हो जाओ, लाइट बहुत अच्छी आ रही है, बस फोकस का मसला है। वो देखिए मजाक उड़ा रही है आपका, मैं तो भी कह रहा हूँ नीचे करो इसे, वीडियो बन जाओ। नहीं नहीं नहीं, सही कह रही है, खाने के बाद जो है रात दिखाने के बाद खुद कुछ गलती से करते अभी आप पापा आ गया और बच्चे भी आ गए। हां ठीक है हां, बूम कट इट। कहां गए? काम चोर था ना, खुदकुशी में भी काम चोरी कर गया। चलें फिर। वीडियो डिलीट करो अभी। क्या भाई, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी सिचुएशन में किसी का मजाक उड़ाते हुए? और आपको शर्म नहीं आती किसी का एडवेंचर खराब करते हुए? अच्छी खासी वीडियो बन रही थी और लाइक्स भी इतने अच्छे आने थे। देखो यार, सोशल मीडिया की कीड़े, मतलब ऐसी सिचुएशन शूट करके लगाना आप लोगों के लिए एडवेंचर है, शेम ऑन यू। और आपके लिए क्या अपनी जिंदगी मजाक है? अरे तुम्हें क्या पता किसी पे क्या बीत रही, तीन बार टूट चुकी है मेरी मंगनी। मेरी 4 दफा टूटी है मंगनी। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रही है, अभी भी वजीफा कर रही है इसके लिए। फिर तो वही मैं कहता हूँ, सैल्यूट है आपकी ढिटाई को। ओ मिस्टर, इसे ढिटाई नहीं, इसे सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, जिसकी आपको शिद्दत से जरूरत है। वही है मुन्ने, क्या हुआ? दीदी ने बताया कि तुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं नताशा हबीब और मेरी माँ है मिसेस हबीब। सीमा अहमद से बात हुई थी एनएक्सी के लिए रेंट पे? हाँ हाँ। नहीं नहीं, हमने तो रेंट पे नहीं देना, किसने कहा आपको? हम रेंट पर दे चुके हैं। चीज क्यों नहीं दिया अभी? थैंक यू। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। एरी सामान रखो इन लोगों का। जियो चुप। मुन्ने मुन्ने, तुम्हें क्या कर रहे थे? मुन्ने नाम है सामान रह गया, खुद ही उठा लेते हैं। सुने, शुक्र है तुम्हारा भी दिल दिया। इस तरफ उठाना है, इस तरफ उस तरफ। अच्छा बजिया, मेरी बात तो सुने। अरे मुंह ही नहीं लगा रही है, मैं आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हूँ। लगा लिए मुंह, बोलो। बजिया, ये मेरी शादी या मुन्ने की मंगनी नहीं है, जो आपने हमसे पूछना मुनासिब नहीं समझा और ये एनएक्स भी किराए पर दे दी है। तो क्या करती, मस्जिद में ऐलान करवाती या किसी स्टैम्प पेपर पे कोई परमिशन लेटर लिखवाती तुमसे? परमिशन लेटर की जरूरत नहीं है, लेकिन जुबानी तो पूछ सकती थी ना। लेकिन खैर, ये तो हमें पता है कि आप हम छोटे बहन भाइयों कितनी घास डालती हैं। मेरे छोटे बहन भाइयों को गधा बनकर घास खाने की जरूरत थी क्या? अरे आप लोग कैसे हैं यार, इस घर में मेरी फीलिंग्स का किसी को भी एहसास है? मेरी मंगनी टूट गई है फिर से और आप लोग अपनी पड़े। अरे
भाड़ में जाए तुम्हारी मंगनी। अच्छा ही और टूट गई। शक्ल देखी थी अपनी मंगेतर की, लोमड़ी जैसी थी, शक्ल से चलाक लगती थी। यहाँ हमारे घर की प्राइवेसी खत्म होती जा रही हो, तुम्हें अपनी एंगेजमेंट ही पड़ी हुई है, हद होती है। बजिया तौबा 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 तौबा। इस लड़के की बहनें कम डायने ज्यादा लग रही थी। ऐसे लग रहा था कि भाई का खून चूस कर ही दम लेंगी। छोड़े, हम कौन से उनके मुन्ने का रिश्ता मांगने आया। अल्लाह माफ करे। तोबा तोबा, 6 फुट का मुन्ना 3 फुट का मुंह। मैं ये सोचे इस मुन्ने की शक्ल पे साबुन कितना लगता होगा। वैसे ना मुझे लड़का बड़ा शरीफ लगा, अपने रजिस्टर में नाम पता ना लिख लूं उसका। खुदा का वास्ता अम्मी, किसी को मत बताइएगा अपने मैरिज ब्यूरो का। आपको मेरे मरहूम अब्बा का वास्ता या उन गिनी चुनी शादियों का वास्ता जो आपने करवाई है और मुश्किल से चल रही है। वो जब से उस ठेकेदारनी साबरा की बेटी को तलाक हुई है ना, पूरे हैदराबाद में रेपुटेशन खराब कर दी उसने मेरे मैरिज ब्यूरो की। वरना लतीफाबाद के ना हर दूसरे घर का रिश्ता मैं करवाती। तो मम्मी आप अभी तक उधर ही फंसी हुई है, मेरे पीछे पड़ी रहती है। चलिया क्यों रही हो, और ना मसले का हल निकालते इधर। मैं तो सोच रही थी वैसे कि तुम्हारी और जोहा की रिश्ते की बात करूं किसी अच्छी मैरिज ब्यूरो में। मुझे तो माफ ही रखिए, मेरे लिए एक ही तजुर्बा काफी है। और वैसे भी आप भूल रही हैं कि मैं अभी तक आज़र के निकाह में मौजूद हूँ। अरे किस जमाने की बातें कर रही हो तुम, कोर्ट जाओ, खुना की दरख्वास्त दायर करो, उसे जान छुड़ाओ। तुमने वो गाना नहीं सुना, जज्बा जुनून को हिम्मत ना हारे। क्या हो गया आपको बजिया, वैसे अपने बारे में क्या ख्याल है? आप भी तो मंसूर भाई की कब्र पे जाके रोज दिए जलाती है, अपने बारे में क्यों ना सोचती है? अरे आप लोगों को शर्म नहीं आती है थोड़ी सी भी? मतलब अपनी पड़ी हुई आप लोगों को। अरे मेरी मंगनी टूटने में ना हैट्रिक होगी हैट्रिक, और यहाँ पे आप लोग बार बार अपने बारे में। मैं नहीं करूंगा किसी से बात, जा रहा हूँ मैं। अरे इन सब देखो तो सेल्फिश लोग अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। देखा नाराज हो गया। बात सुनो, मुझे लगता है तुम्हारा अपना ठिकाना करने के बाद फौरन इसकी शादी करनी पड़ेगी। मुन्ने की तो बहुत ही उठावला हो रहा है। सही कह रही है कि मुझे भी जल्दी से सही करनी पड़ेगी। खबरदार, खबरदार अगर तुमने उसका नाम लिया तो। उसने आखिर झगड़े में मुझे क्या कहा था? मुझे कहा था मैं फसाद की जड़ हूँ, मैं उसको जड़ से उठा के फेंक दूंगी। वैसे कहा तो ठीक था। क्या उसका? कुछ नहीं, पानी ना उनके लिए जूस, मैं अभी रख रहा हूँ। डोंट वरी भाई, आप अम्मी की टेंशन ही बिल्कुल ना लें, अम्मी को मैं संभाल दूंगी। बस आप अपनी बीवी को संभालें। वैसे आज मुझे पता चला बीवी चाहे US की हो या अफ्रीका की हो, नाक को चने जरूर चपवाती है। हाँ घर अच्छा है, घर तो बहुत अच्छा है, बस दो खरांट बहनें अपने एक भाई के साथ रहती है। भाई आय हाय, इंतहा का बुद्धू फजूल आदमी, ऐसा लगता है किसी ऑफिस में चपरासी की नौकरी करता है वो। आप जब आएंगे ना तो ये सब नमूने देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। हाँ जी बाकी सब ठीक है। नहीं अभी तक खाना बनाना नहीं सीखा मैंने। वाह पहले ही दिन कंफर्ट लेवल तो देखो। सुनो वो आते ही तुमने जो मुझे बोला खैराती चपड़ासी सब दिल से बोला तो कसम खाओ लगते नहीं हो क्या? जी नहीं, आई मीन खुद को तो मैं गुड लुकिंग ही लगता हूँ लेकिन शायद दूसरों को लगता हूँ, तभी तो 3-3 बार मेरी मंगनी टूट गई। इसीलिए सुसाइड कर रहे थे क्या? फिर तो पक्का राइट बनता है। फिर ये बताओ क्या वाकई तुम्हारी भी 4 बार मंगनी टूटी है? नहीं 3 दफा, चौथा तो मैंने इसलिए ऐड किया था ताकि तुम्हारे दिल का गम कम हो सके। थैंक यू। पर इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, क्यों टूटी मंगनियां? पहली मंगनी तो मेरी चाचा के बेटे के साथ हुई, वो US चला गया, US जाकर उससे मोहब्बत हो गई और उसने वहां जाकर शादी कर ली। और दूसरी वाली मंगनी मेरी अम्मी की बेस्ट फ्रेंड की तरफ हुई और उनके बेटे को अपनी बहन की बेस्ट फ्रेंड से मोहब्बत हो गई और उसे भगा कर ले गया। और रही तीसरी वाला वैसे निकम्मा था, चपड़ासी लगता था शक्ल से, इसलिए छोड़ दिया। लेकिन तुम मुझे बताओ तुम्हारे यहाँ क्यों सेल लगी हुई मंगनी टूटने की?
वो एक्चुअली मेरी पहली मंगनी बजे की वजह से टूट गई, दूसरी अपिया की वजह से टूट गई, और तीसरी मंगनी दोनों ने मिल के तोड़वा दी। बस कहानी खत्म। ये ना बहुत मजे का सीन लग रहा है। तुम भी कमाल करती हो, तुम्हें अंदाजा नहीं है मुझे कितना शौक है शादी करने का। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी शादी एक महीने में करवा के छोड़ूंगी। अम्मी को बोलूंगी ऐसा वजीफा पढ़े कि तुम्हारी शादी फौरन से फौरन हो जाए। नहीं। हाँ। पक्का? हाँ पक्का। थैंक यू यार, उनसे कहना प्लीज दिल से पढ़े। डन। अब मैं चाय पी लूं? हाँ मैं कौन सा रुक रहा हूँ, पी लें। अकेले में मी टाइम। मेरा घर है। अच्छा। अपनी बजिया की सेहत देखो, एक चुटकी भर जहर देखो, जहर तो राइट लेफ्ट से निकल जाएगा। हाँ, एक किलो जहर से काम चल सकता है। Listen, shut up. और वैसे भी तुमने ही मुझसे कहा था कि मैं अपनी एक्स मंगेतर से बात करूं। तुम किस तरह के मर्द हो, एक लड़की पटाई नहीं गई तुमसे? पहले दिन से ही ना तुम्हारी नीयत पे शक था मुझे, और वो भी क्यों ना, मैं हूं इतना हैंडसम, लड़कियां मरती हैं मुझको। और मेरा होटल मुझे 2 साल के लिए दुबई भेज रहा है, वहां की ब्रांच को टेक ओवर करने के लिए। व्हाट? या ये देखो। हो ही नहीं सकता, तुम हम दोनों को छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते। कैसे जा सकते हो तुम ऐसे? अरे ओ हेलो, तो ये तुम हो जो हमारे मुन्ने को हमारे खिलाफ भड़का रही हो? कौन मैं? हाँ तुम, अच्छी तरह से जाती हो तुम छोटे शहरों से आई हुई छोटी लड़कियों को, जानबूझ के पहले लड़कों पे ऐसे ड्यूरे डालती हो और फिर उनके आसपास सवार हो जाती हो। लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी, समझी? और आप इतने बड़े शहर कराची में रहती हो, अपनी सोच कैसी है आपकी? अंदरून शहर लाहौर की तंगलियों की तरह।